ओ भैया इन्हें जाने कहा होगा। अरे निधि नहीं सुन रही, ले हमें लगा कि जो तो भैया बेहोश हो गई, कंकड़ बीना बीना सुन रही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग्स में। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, सभी को राधे राधे। गाइज हमारी आवाज़ निकल नहीं रही आज, और कल इसी कारण से कल हमने ब्लॉग भी नहीं बना पाओ, क्योंकि तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई थी। जुखाम बुखार ये सब मिक्स हो के आ गए खट्टे दो ही। और निधि की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इन्हें भी नहीं मतलब ब्लॉग स्टार्ट कर पाओ ना हमने, यानी कल तो पूरा दिन लेट ही रहे। डॉक्टर के पास गए, दवाई भी ले आए, दिखवाओ भी है, तो दिखवाए के बाद अब काफ़ी ठीक हैं। वैसे गले में अभी भी खराश ऐसी हैं, वैसे पूर्ण रूप से सही नहीं हुए हैं, लेकिन अब क्या करें भाई, काम तो देखना पड़ेगा। और कल ब्लॉग नहीं बना पाओ तो हम सोच रहे हैं कि आज क्यों छोड़ दें, आज तो बना ही ले भाई, जैसे बने जैसे हैं। तो हमने सुबह से आज नहा भी लो, और नहाए के बाद एस खुलवा के जा रहे हैं स्कूल अब, क्योंकि पेपर तो इनके ख़त्म हो गए, अब स्कूल जा रहे हैं। तो एस तो शायद तैयार हो गए, मैं तो बैग लेके बाहर भी निकल गए। देखो निधि जाने क्या कर रही हैं। हेलो मैडम जी, राधे राधे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो? अब बढ़िया ही है और नहीं है। हाँ आज तो तुमने जल्दी नहा लो, क्या बात है। नहा लो जल्दी, हमें कई काम करना है। तो सो दूध अच्छा जी, का है दूध गर्म कर लेंगे। उठ के रख दे, शाम तक वो ना तब वो हो जाए, फट जाए। अच्छा चलो अच्छा है। फिर तबीयत में कैसी है, सुधार मतलब है थोड़ा बहुत? जुकाम में तो तनिक लग रहा हूँ आराम से, लेकिन गरो फट गया 2 दिन, बहुत खांसी उठ गए। खांसी आ रही, हमें भी आज खांसी आ रही है, मैं भी। हमें भी आई, लेकिन अभी आ तो रही लेकिन कम आ रही, कल से कम आ रही, अच्छा तो की वजह से गरो छलका हो जा। मंजली दीदी के तो खीर खा ली थी, चावल की ज्यादा। अच्छा उसे आ रही। हाँ उसी से अपन दोनों जने बीमार हो गए थे। हाँ वो गर्म हती हो सकता, भी रही थी वहां पर। सही है। फिर भाई खाना पीना है कुछ? हमने पास तुमने खाना खिलाने तो मना कर दी तो थी। खाना वैसे ही नहीं खबने यार। हाँ सो पास्ता बना दो, यस ले गए तुम टिफिन। अच्छा तो घर निकल गए, गाड़ी में पहुंच गए का? आओ बाहर ही नहीं जा, गाड़ी में पहुंच गया फिर। चलो अच्छा है, तो ठीक है हम निकल रहे हैं। हाँ तो गाइज मैं पहुंच गया हूँ घर पे स्कूल से, चलो चलते हैं अंदर। और देखिएगा निधि ने कितना सारा काम कर लिया है, कपड़े वपड़े धुल के डले हैं। ओहो देखो तो खाना भी चल रहा है इनको, वाह भाई साहब मौज कर दी। अजा सब अबे हो रहा, सही है यार। कैसे तुम पे रोटी खोब रही, हमारी तो वैसे इच्छा ही नहीं हो रही खाना खाने की। काम कैसे करें, काम कैसे करो? अच्छा तो कोकी ने होए वही तो भूख लगती तो अबे तक हम खाई लेते। अच्छा वह भी काम में बिजी है, सुखाई नहीं, अनाज धो, अच्छा कपड़ा वपड़ा धो, पूरा काम करो। जब छत किधर डाले हैं, छत पे? वो पे डालो, बहुत बहुत वे हो गए तेरी बुला। दवाई तो डाली थी, मेरे तो फैशन हो गए। फिर से हो गए? सही बताओ। अरे यार तो दोबारा डालने पड़ेगा, खोल कर डालने हैं भाई। अच्छा चलो तो खोल के दोबारा डालेंगे फिर दवाई, तनक ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए। इतने बहुत ज्यादा निकले, एक बोरी में तो बहुत निकले, फिर इतने सारी बोरी में तो कितने होंगे। सही है चलो तो अब एक दिन खोल के डाल। तुम देखते ही नहीं यार, अरे यार तो अब वाले मकान में धरी, वो तो को देख रहा हूँ। एकदम साय सराय बोलिए ना। अच्छा आओ ले हम तुम्हारे मुंह से सुन रहे, चलो ठीक है अब बेच दो देखेंगे। कछु कछु खावे लाग बचा लो, तो बाकी बेच दो पूरी वे घुनी जात, तू न मनो जा को कोनो काम करनी है ना। हाँ हाँ चलो ठीक है देखते हैं हम। तो आ जावे काय खा रहे हैं खाना? काम में बिजी यार नहीं खा पाओ। अरे यार 2 बजे, 2 बजे खा रहे हैं, बताओ 2 बजे तक काम में बिजी रहे, भूख भी नहीं लगी तो खाना को टाइम निकाल लेने दो। उतनी भूख नहीं लगी ना, आवे जो खाने की वजह से भूख नहीं लगी। अच्छा चलो ठीक है, दवाई खा लेती? और दवाई खा लेगी। आओ वैसे ही खाली पेट खा लेती थी? क्या है उस पत्ते सामने। अच्छा चलो ठीक है। तो गाइस शाम का हो गया है टाइम, करीब 5:30 बजे गए होंगे। निधि है छत पे शायद, गेहूं की कंकड़ बीन रही, चलो चलते हैं देखते हैं क्या कर रही वो। ओ भैया इन्हें जाने कहा होगा। अरे निधि
नहीं सुन रही? ले हमें लगत के जो तो भाई बेहोश हो गई, कंकड़ बीना बीना सुन रही निधि का होगा सुने चक्कर तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत ठीक नहीं है उसका होगा चक्कर चक्कर आ रहा है। ले यार चक्कर आ रहा है तो फिर छोड़ दो। जब से गए हूँ बीन नहीं थे जी उसे तरक कछ बीन ले तरक से रह गए उस एकदम से आंखों में जलन वही हुआ चक्कर ऐसे यार सुन लेट गए तो नीचे ही आ जाते हैं नीचे भागे आते हैं और जब पूरा तो बीन नहीं ये तो गर्म नहीं लग रहा होता छत जो नहीं वो नहीं है नहीं है। ले बता तुम जब चक्कर आ रहा है तो नीचे भागे आते हैं नीचे का उन्हें कितना काम कर लें अच्छा जी हो जैसे तो यदि छत पे आराम करने लगे हैं कौन कोई देख रहा हो आसपास से घिरा वो है दीवार है। हाँ जी बात सही है बाउंड्री है देखो जी मटका रखे गाइस सही है सही लेट गए हम लोग इतना बिन गए के और रह गए हम मनवा दे इतना रह गए बस थोड़े और रह गए चलो ठीक है बीन लो तो नहीं नहीं वैसे अगर चक्कर आ रहा हूँ तो भगे आओ ठीक है डलो रन दो कल बिन जाए कल फिर दिन वाला होगा। अरे मौसम साफ है पानी की दिक्कत नहीं लो के पानी आएगा रात में ठीक है। चिड़ैया खा जा तो चिड़ैया ना खा जा उनके घर थोड़ी ना खेती है तो एकदम उसी दनो कह दी थी। चलो ठीक है बीन लो बीन लो मैं हम बनवा दे हम बनवा दे देखो भाई चक्कर आ रहे थे ना तो जी लेट गई थी तब तो भी नहीं पावे थे अच्छा एकदम से उसी आंखों में जलन सी वही हो चक्कर स्वास्थ्य की दिल्ली। चलो ठीक है नहीं अगर जलन हो रही हो आंखन में चक्कर आ रहा हो तो छोड़ दो ठीक है। बोरी में खट्टो भरे ले रहे फिर नीचे डाल के फिर बीन ले एक दिन अभी तक खिलाना पे पूरा अनाज खराब हो जाए अच्छा पूरे में मिल जाए वो तक के कंकर। चलो ठीक है ऐसे मकाए के बीन के और फिर सुबह से फटाक फटाक के रख दे बीन ले ना। चलो ठीक है बीन लो तो चलो हम भी हेल्प करवा दे तुम्हारी। देखो गाइस मैंने इनकी इतनी हेल्प करवा दी है कि कंकड़ बनवा दे और संगे संगे देखो इकट्ठो भी करवा दो पूरा होगा देखो इकट्ठो बस थोड़ा सा बचा सुझे कर रहे हैं तुम्हें चलने का दोबारा दिखवा भी नहीं तो जैसे हमसे तो देखो कही थी भैया अगर दोबारा दिखवा लियो ठीक है तुम्हें नहीं दिखवाना। चलो तो हम दिखवाया है फिर तुम्हें नहीं जाना चलो तो हम दिखवा के आ रहे हैं ठीक है। तो गाइस देखो शाम भी हो गई काफ़ी वही 6 बज गए होंगे तो चलो गाइस चलते हैं डॉक्टर साहब को दिखवा के फिर आ रहे हैं। तुम उतार ले हो जा नहीं उतार पे हो तो हमारे से उतार दें ठीक है। तो गाइस डॉक्टर साहब के यहाँ से हम दिखवा के आ गए हैं घर पे और यहाँ के दिखा देखो ऐस भी लेटे हैं चटाई बिछा के निधि भी बैठी हैं कायन की बातें चल रही काय जी लेटे हैं वही चटाई पे आके हम भी बैठ गए अब देखो गाइस यस भी लेटा है ये बैठी हैं क्या है जो है कि बहुत बड़ा सीजन चल रहा है। अरे तो सीजन भाई सब तुम्हारे लिए नहीं चल रहा ठीक है सबके लिए चल रहा हूँ यस भी क्या है हमारे गली में आज खरोचे लग रहे हैं। अच्छा आ, तो हो भी सकत जुकाम भी होने हुए ऐसा भी तो हो सकत क्या करें तो सीजन चल रहा भाई उकलाने का करें अब तो ऐसा करो सब जने एक अस्पताल में भाई थी हो जाओ अच्छा और मैं रहो मैं बनाओ मैं खाओ अच्छा मैं इलाज करो इतने सारे पैसा है फिर क्या करें बताओ एक एक ठीक दो ठीक नहीं हो पाए तीसरा फिर अरे तो सीजन चेंज हो रहा भाई साहब ये तो होना ही है क्या करें सीजन चेंज हो रहा हो खांसी जुकाम बुखार ये सब चीजें तो होंगी अभी मैं भी चक्कर आ रहा है तो मैं भी आ रहा है तो तुम आराम कर लो अब गरम मुंदा पानी दे दे डॉक्टर ने अच्छा गरम दवाई दे दी ये वजह से आ रहा है आंख में जलन हो रही है चक्कर नहीं ऐसा कुछ नहीं है वे तो आते ही हैं ठीक है। तो मुझे एक ही जगह हिल रही थी ठीक है कंकड़ मिल रही थी सो एक ही जगह जब आदमी कोई चीज को एकदम मतलब नजदीक से देखे ना तो ऑटोमेटिक चक्कर आ ही जाता लो आराम कर लो ठीक है। खाना पीना तो मम्मी आ जा रही मम्मी दे दें सब लोगों को बना तो बस तुमने बना दो तो बस मम्मी दे देंगी पापा को खाना ठीक है तुम आराम कर लो भाई साहब तो कर ही रहे आराम चलो तुम भी कर लो हमने अभी दवाई खा ली ठीक है अब थोड़ी टाइम बाद खाए हम तो।
तबीयत खराब होने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं कि ब्लॉग ढंग से नहीं बना पा रहा है, ना कहीं आ जा पा रहा है। क्योंकि गाइज जब तबीयत खराब हो जाए ना तो कुछ भी नहीं दिखता ही उस टाइम पे, कि मतलब ब्लॉग बनाओ या कहीं घूमे जाओ या मतलब इतने तक कि हम घर से भी बाहर नहीं निकले, कहीं लेटे रहे बस। केवल डॉक्टर साहब के यहाँ तक गए थे इलाज करवाने के लिए, और इसके बाद कहीं नहीं गए, ये भी कहीं नहीं गई, इनकी भी तबीयत ऐसे ही थी खराब सी। जैसी तबीयत ठीक हो जाती है कहीं जाएंगे घूमने के लिए, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स भी बनाएंगे। अब हाल तो भैया काम ही चल रहा हो, क्योंकि हमें भी एक आदत ऐसी हो गई कि हमें भी मतलब बगैर ब्लॉग बनाए हमें मन भी नहीं लगा था। जैसे कि कल हमने ब्लॉग नहीं बनाया तो, और नहीं बनाओ ना तो आज वैसी उसी मतलब रात में उसी अजीब सो लगो कि यार वीडियो नहीं बना पाओ, क्या किया जाए क्या किया जाए। एक चाय जैसी आदत पड़ गई हमें कि अगर जब तक ब्लॉग नहीं बना पे तब तक मन में वैसी अजीब सी फीलिंग हो, जैसी चाय की आदत सुबह से पड़ जाती ना कि अब भाई सुबह उठे मंजन ब्रश किया और बस चाय ले आओ भाई चाय ले आओ, ऐसी हमारी आदत है। वैसे चाय और नाश्ता किया बस, इसके बाद अपना ब्लॉग चालू। तो गाइज आज के लिए इतना ही सब कुछ है, बाकी कल मिलते हैं सुबह न्यू ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जयराम जी की।